अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य जसवंत सिंह राठी का रविवार को निधन हो गया। आयोग अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय तथा अन्य सदस्यों ने राठी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राठी ने 14 अक्टूबर 2020 में आयोग सदस्य के पद पर कार्यक्रम किया था। इस दौरान वर्ष 2022 में 1 फरवरी से 15 फरवरी के मध्य में वह आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे। नेक्थीएट कार्यक्रमों की श्रृंखला में नाट संस्था द्वारा जंगल में आयोजित जंगल का अच्छा नागरिक प्रतियोगिता पर आधारित नाटक गाय और उसका दोस्त बंदर का प्रदर्शन ने पर्यावरण संरक्षण, पेड़ लगाने के फायदे और पानी के महत्व पर जानवरों के माध्यम से संदेश देने का सार्थक प्रयास सफल रहा। नेक्थीएट के राजेंद्र शर्मा राजू ने बताया कि मिहिजा शर्मा द्वारा लिखित कहानी और रंगकर्मी अनिल मारवाड़ी द्वारा निर्देशित इस नाटक की कहानी में जंगल में एक प्रतियोगिता होती है जिसमें अच्छे नागरिक का खिताब जीतने के लिए गाय और बंदर फाइनल राउंड में पहुंचते हैं। बहुत चतुर वो इंसान और तेरी चालाकियों से हम सब वाकिफ हैं, पर फिर भी बताओ कौन है या मेरे को ही बताना पड़ेगा? आप ही बताओ। तो देखो भाई, आज की विजेता है हमारी ये गाय। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा के सरकारी आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। संजय शर्मा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, ऐसे में जोशी ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर संजय शर्मा के साथ जोशी की प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी प्रदेशों के अध्यक्ष एवं लोकसभा प्रत्याशियों की वर्चुअल मीटिंग ली। बैठक में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल के समक्ष पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान प्रदेश का फीडबैक दिया। डोटासरा ने फीडबैक में बताया कि राजस्थान में कांग्रेस एक दर्जन सीटों पर चुनाव जीत रही है और 6 सीटों पर मजबूत स्थिति में बनी हुई है। राजस्थान में मोदी लहर नजर नहीं आई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़ा और इसी वजह से बेहतर परिणाम सामने आएंगे। कांग्रेस की 3 सीटों बांसवाड़ा, नागौर और सीकर पर भी कांग्रेस जीत रही है। कुछ सीटों पर कांग्रेस कमजोर रह सकती है जिसकी समीक्षा चुनाव बाद की जाएगी। प्रदेश में तेज गर्मी का सितम जारी है, चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान कर रखा है। शहर में दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया, आसमान में बादलों का डेरा लगा रहा। इसके बाद तेज आंधी चलने लगी, तेज हवा के कारण सड़कों पर धूल उड़ने लगी। तेज आंधी के कारण लोग जहां थे वहीं रुक गए। इसके बाद हवा कम होने के बाद लोग निकले, आंधी के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।